अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। डे थ्री का ब्लॉग शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने डे वन डे टू का ब्लॉग नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम लोग घर से निकले हैं और आप लोग व्यू देख लो कि कैसा नज़ारा है इस गार्डन का। लास्ट व्यू देख लो। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये व्रत की जा है, तमाशा नहीं है। और लास्ट व्यू में मैं पूरा आपको डिटेल नहीं दिखाया, लेकिन इस गार्डन में बहुत कुछ ऐसी चीज है जो कि देखने लायक की है। देखने मतलब टाइम पास शो पीसेस बहुत सारे लगे हुए थे। हम लोग जा चुके हैं अपने घर के तरफ, जहां रूम होने वाला है, हम लोग का रेंट पर लेने वाले है। और उस रेंट पर जो रूम लिए है उसका एक रूम का जो है सिंगल रूम है जो कि उसका 1000 रुपये रेंट होने वाला है एक दिन का। इस तरह से 2 रूम लेने वाले है, तो हम लोग जाके आप लोगों को दिखाते हैं। पहले आप लोग आजू बाजू का नज़ारा भी देख लो कि गोवा सिटी दिखने में कैसा है। और अभी हम लोग जिस एरिया में है वो कैंडोलिम का एरिया है। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये व्रत की जा है, तमाशा नहीं है। जगा जी तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जगह पर जहां पर हम लोगों का रूम है। एक ये रूम मिला है हम लोगों को 201 नंबर, और एक ये वाला रूम मिला है जिसमें यहां पर सोए हैं अपने साथी लोग, ये आसिफ भाई, सरफर भाई, जो कि दोनों भी अंगुल करके लिए नहा के लिए, और मैंने भी नहा के लिया। और जो हमारा ये साथी है ये हुसैन, ये भी नहा के लिया है। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये जो कपड़े इन लोगों ने धो के डाले, यहाँ कपड़ा है ये सब, यहाँ पर कपड़े इन लोगों ने मतलब जो भी है धोके डाले है। और ये इन लोगों का रूम है। बाथरूम देखो कैसा है इसका बाथरूम, देख सकते हो तो। ये बाथरूम इंग्लिश भांडा, यहाँ सब अंग्रेज के बोला, यहाँ पर कितने लोग घूमने आते हैं ये वगैरह, ये नहाने का वॉशर वगैरह है। तो इस तरह से हम देखते, देखो इस तरह से अभी इसे हम लगा देते। ये देखो, ये इस तरह से व्यू देखो आप लोग। ये रूम काफी बड़ा वाला रूम है। यहाँ हम लोगों को फ्रिज भी मिला है जिसके अंदर ये बड़ा बॉटल रखे ले चालू करके, और उसको साइड में कर दिए बड़ा बॉटल रखी। देखो यहाँ पहले आप लोग व्यू देखो यहाँ से किस तरह से, चारों के चारों लोग ने नहा के निकले हैं, और मैंने नमाज भी पढ़ दी है, उसने भी पढ़ लिया, उनको पढ़ना बाकी है। ये भी रूम है जिसके अंदर मैं इंशाल्लाह रहने वाला हूँ, ये इसमें सोने का हुआ तो उधर पर सोने का मुझे, लेकिन पॉसिबल शायद नहीं है। पहले मैं वो रूम में गया था, अब ये रूम देख लो। यहाँ पर्दा वगैरह लगा है, और यहाँ का ओवरव्यू देखो किस तरह से। ये गैलरी का ओवरव्यू देखो, ये उन भाई ने धोके रखे, मेरा अपनी टॉवल ये इस चट्टिया वगैरह जो भी है कपड़ा, और यहाँ का ओवरव्यू देखो, मेरे कपड़े हैं मेरे, और बैग में भी कपड़े हैं, वो सब धो के रखना है। और यहाँ देखो आप लोग, ये सन आया, और ये दूसरा कपड़ा जो कि फ्रेगनेंस भारी है, और ये अपने अभी मैं क्या करता हूँ कपड़े धो के ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह वीडियो शूटिंग करता हूँ, ठीक है। मिनट्स लेटर। ये व्रत की जा है, तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है, रहूं सब से वाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जागिर ने धोखे में डाला। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये व्रत की जा है, तमाशा नहीं है। सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर कि तेरी सुबह हो नहीं, तू कहीं सुबह हो न हो जेरे जमीन, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है,
ये इबरत की जा है तमाशा।